अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, और यू ऑल, उम्मीद करता हूँ आज सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बेसिक ज्योमेट्रिकल डिजाइंस किया था, उम्मीद तो आप लोगों ने घर में उसकी प्रैक्टिस भी की होगी और अपने स्केच बुक उसको फाइनल भी किया होगा। ठीक है, आज हमारी जैसे सेकेंड क्लास है तो चलते हैं अब हम सेकेंड क्लास की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है लैंडस्केप। ठीक है, लैंडस्केप में आपने हमने कुछ प्रीवियस क्लास में भी किए होंगे, जैसे कि इमेजेस में आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। दिस वन ये सी स्केप है, इसके अंदर पाम ट्रीज भी आ रही हैं, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी हम लोगों ने सब चीज़ की प्रैक्टिस की है, आप अच्छी तरह से आपको याद होगा सब चीज़ों को। तो आप लोगों ने इसी तरह की चीज़ें थोड़ी सी ड्रॉ करनी है। देखिए सेकेंड इमेज सेकेंड इमेज में भी यही थीम है हमारी सी स्केप। ठीक है, थर्ड इमेजेस में भी आ जाते हैं, थर्ड इमेजेस में भी हमारे पास यही सेम चीज़ है, ये सी स्केप की थीम की तरह तो सब चीज ठीक है। अब इसमें हमें मटेरियल रिक्वायर्ड किया है, मटेरियल जो हमें रिक्वायर्ड है उसमें जो कंपलसरी है हमारे पास, कंपलसरी हमारे पास क्या चीज़ें हैं, जैसे स्केच बुक्स आपके पास होनी चाहिए, एच बी पेंसिल होनी चाहिए, इरेजर होना चाहिए, रूलर होना चाहिए और काफ रख, ये सब चीज़ें आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग यूज़ भी कर चुके हैं अपने स्केच बुक में, सब चीज़ें ये सब चीज़ें सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और सेकेंडली ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन हमारे पास ऑयल पेस्टल है, सॉफ्ट पेस्टल से एंड कलर पेंसिल है। तो ये सब चीज़ें आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन में मीन्स ये है कि आप ऑयल पेस्टल कोई भी, आप जैसे सी स्केप की ड्राइंग है जिसमें आप ऑयल पेस्टल भी यूज़ कर सकते हैं एंड सॉफ्ट पेस्टल भी यूज़ कर सकते हैं, कलर पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, या दोनों सॉफ्ट पेस्टल एंड कलर पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन तीनों में से कोई दो मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, कोई एक भी यूज़ कर सकते हैं, या तीनों ही किसी को एक के में लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब आपकी स्केच बुक की तरफ, मैं आपको ये सब चीज़ें ड्रॉ करके और कलर करके चलते हैं अपनी स्केच। फाइव फ्रेशमेंट्स, आज की असाइनमेंट नंबर टू है हमारी, जिसका नाम है लैंडस्केप। आपको अपने इन्वेलप में ये रिसीव हुआ होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ हम लोग जो इसके बेसिक ड्राइंग से किस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आपको पता भी है इस असाइनमेंट्स का हम लोग ने की भी है क्लास में इस तरह के असाइनमेंट्स। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी बेसिक हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो वही आपने इसी तरह से आपके पास फ्रेम 1 इंचेस वाला, जैसे लास्ट वीडियो से मैंने आपको बताया था कि 1 इंचेस का बॉर्डर देना है आपने इसी तरह से। ठीक है, ये आपके पास फ्रेम, आपको पता ही है कैसे ड्रॉ करना है, तो आपने इस तरह से करना है। उसके बाद फिर हम लोगों ने ड्राइंग करनी है। ठीक है, ड्राइंग सबसे पहले स्टार्ट क्या करेंगे, ड्राइंग से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग ये चीज़ का बॉर्डर्स। ठीक है, सबसे पहले ये बॉर्डर्स यूज़ करेंगे इसका अपना, ये चीज़ आपने फ्री हैंड ड्राइंग करनी है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमने बिल्कुल लाइट पेंसिल यूज करनी है। ठीक है, इसी तरह से
ठीक है, गेचेस बनाने के बाद ठीक है इसका हम लोग गेचेस टॉप बनाएंगे। ठीक है ये इसकी लाइटिंग्स के लिए हम लोग चीज़ दे देंगे। ठीक है इसके बाद फिर ये जो चीज़ आ रही है ठीक है, ये इसका शेड आ जाएंगे, हम लाइन दे देंगे थोड़ी सी यहाँ पर। ठीक है अब मैंने जैसे आपको बताया था कि आपके पास तीन ऑप्शन में होंगे, ठीक है हम जो मटेरियल्स यूज करते हैं ठीक है वो तीन मटेरियल्स होंगे, कोई भी जैसे आप सॉफ्ट पेंसिल ले सकते हैं, कलर पेंसिल ले सकते हैं एंड ऑयल पेस्टल ले सकते हैं। ठीक है जैसे कि मैंने सॉफ्ट पेस्टल लिया तो मैं आपको बता देता हूँ सॉफ्ट पेस्टल से कैसे हम लोग इस चीज़ को ड्रॉ करेंगे। ठीक है जैसे कि मैं कलर ले रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है यहाँ पे हल्का सा हम लोग ऑरेंज करेंगे। ठीक है उसके बाद लोग इसके साथ येलो को साथ मिक्स करेंगे इसका। ठीक है यहाँ पे इस तरह से येलो आपने करना है। ठीक है ये चीज़ करने के बाद फिर यहाँ पे आपने ब्राउन करना है। ठीक है ब्राउन करना है, ठीक है इसे पहले ब्राउन से करना है, आपने आउटलाइन लेनी है इसकी। ठीक है ब्राउन के बाद फिर ये चीज आपने यहाँ पे इसको ब्लू लिख रहा, ठीक है ब्लू करना। ये ब्लू आपने इसके अंदर भी कर देना, ठीक है ये जो चीज़ आ रही है इसकी सिमिलर सी ये चीज़ें इसके अंदर भी ये चीज़ मिक्स कर देना। ठीक है ये चीज़ आप मिक्स कर देना इस तरह से। ठीक है फिर आपने हल्का सा इसके साथ ये चीज़ इसके ब्लैक इसको ब्लैक करना है, यहाँ से इसको ड्रॉ करने के बाद ये चीज़ इसके साथ ब्लैक करना है। ठीक है फिर ये चीज उसके बाद फिर दोबारा हम लोग ब्लू से करेंगे। ठीक है अब बाद में हम लोग इसको मिक्स कर देंगे हाथ के साथ, आपको पता ही। ठीक है ये चीज अब इस ड्रैपरी के ऊपर, ठीक है इस बोर्ड के ड्रैपरी के ऊपर आप ब्राउन, ठीक है ब्राउन ले सकते हैं या कोई भी दूसरा कलर, जैसे मैंने कलर पेंसिल इसके ड्रैपरी के लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ की है। ठीक है तो मैंने इसके ऊपर पहले ब्राउन करूँगा, ब्राउन करने के बाद इसकी ब्लैक से आउटलाइन ले लूँगा। ठीक है आपने यहाँ पर इसको ब्राउन करना है, ठीक है यहाँ भी ब्राउन करना है इसको, ठीक है लाइट एंड डार्क में लेकर आना है। ठीक है इसी तरह यहाँ बोर्ड है, बोर्ड पे भी आपने ब्राउन कर देना है। ठीक है अब ब्लैक से आप इसकी आउटलाइन ले लेंगे। ठीक है जैसे ब्लैक से इस तरह से लेंगे, इसको डार्क करना है तो इस तरह से इसको डार्क करेंगे तो ये शेड आ जाएगा हमारे पास। और इन चीजों को भी आप इस ब्लैक कलर से, ब्लैक पेंसिल कलर से इसको डार्क कर दीजिएगा इस तरह से।
है। इस तरह का फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने आएगा, ठीक है, आपने इसी तरह से करना है फाइनल में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला आप एक नई टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह।